एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो विशेष है, जो कि है संतान सप्तमी पर। जी हाँ, संतान सप्तमी की जो है वो पूजा विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्या इसके विशेष लाभ हैं वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी, और कैसे हमें पूजा को पूर्ण करना है वो भी मैं इसी वीडियो में बता दूंगी। तो संतान सप्तमी बेसिकली हम मना कब रहे हैं वर्ष 2023 में, तो सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। तो 21 सितंबर को वर्ष 2023 21 सितंबर दिन गुरुवार को हम संतान सातें मना रहे हैं। इसे संतान सातें भी बोलते हैं, संतान सप्तमी भी बोलते हैं, और भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हम जो है वो संतान सातें मनाते हैं। ठीक है, तो ये संतान सातें जो है हम वो 21 तारीख को मना रहे हैं, दिन गुरुवार को वर्ष 2023 में। पूजा की विधि मैं आपको शेयर करने से पहले बता दूं कि इसके लाभ क्या है। संतान सप्तमी का व्रत करने से आपकी संतान की दीर्घ आयु होती है। संतान सप्तमी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। संतान सप्तमी का व्रत करने से आपकी संतान का स्वास्थ्य अच्छा होता है, शिक्षा में वृद्धि होती है, जीवन में सफल होते हैं। संतान से संबंधित अगर कोई समस्या है तो वो भी समाप्त हो जाती है। ठीक, तो बेसिकली ये जो व्रत है वो हम अपने संतान के लिए करते हैं। ठीक, तो अब आगे चलते हैं और बात करते हैं ये कि पूजा की विधि क्या है। बहुत खास है, हर व्रत की पूजा की विधि बहुत खास ही होती है। अलग अलग विधान होते हैं, अलग अलग चलन होते हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हम पूजा करें और कैसे हमें पूजा ये करनी है और क्या क्या विधियों को जो है वो हमें पूरा करना है साथ में। सबसे पहले याद रखें कि इस व्रत में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं। हो सके नए वस्त्र पहने, नहीं है पुराने ही पहन लें, लेकिन साफ हो, धुले हुए हों, कोई दाग वगैरह उनमें ना लगे, ऐसे वस्त्रों को इस पूजा में धारण करें। ध्यान रखें, संतान सप्तमी की पूजा, अनंत चतुर्दशी की पूजा, फल अष्टी की पूजा, ये कभी भी बंद कमरे में नहीं की जाती हैं। बंद कमरे में करने से इनका कोई लाभ नहीं होता है। हमेशा ये पूजा खुले में की जाती है। आप घर के आंगन में कर सकते हैं, घर की छत पर कर सकते हैं, अगर कहीं आपके पास जलाशय है या सरोवर है तो आप वहाँ बैठ के भी कर सकते हैं। करनी कैसे है पूजा की विधि मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहले आप सुबह में स्नान इत्यादि कर लें और दैनिक क्रिया से निवृत्त हो जाइए। साफ वस्त्र धारण कर लीजिए। इस व्रत को निराहार किया जाता है। कुछ माताएं हमारी जो बहुत क्षमतावान होती हैं, वो जब तक पूजा नहीं कर लेती तब तक जल भी ग्रहण नहीं करती हैं। लेकिन अगर शरीर में क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो आप जल ग्रहण कर सकते हैं, आप चाय भी पी सकते हैं, और उसके बाद जो है निराहार रह के अपनी पूजा को पूर्ण करने के बाद जो पूजा का प्रसाद है उसे ग्रहण कर सकते हैं। ठीक, तो ये मैंने बेसिक चीज़ बता दी। अब पूजा कैसे करनी है वो मैं बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, खुले में हम इस पूजा को करते हैं, तो सरोवर किनारे कर रहे हैं तो ज़मीन में कर सकते हैं, लेकिन घर में ही कर रहे हैं तो एक चौकी पर पीले या लाल रंग का एक वस्त्र बिछा लीजिए और उस वस्त्र पे आटे में हल्दी मिलाकर एक चौक पूर लीजिए। चौक नहीं पूरना आता है तो अष्टदल कमल बना लीजिए चावल के द्वारा, लेकिन सफ़ेद आटे के द्वारा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आटे में हल्दी को जरूर मिला लीजिएगा। सफ़ेद आटे से जो है वो चौक नहीं पूरना है, आटे में हल्दी मिला के हमें चौक पूरना है। उसके बाद हम श्री गणेश का आवाहन करेंगे और उनका पूरे विधान के साथ पूजन करेंगे। फिर हम सुंदर से कलश की स्थापना करेंगे, कलश को अच्छे से सजाएंगे, बिल्कुल अपनी संतान के स्वरूप को मानकर ही हम कलश को सजाएंगे। इस कलश पर उत्तम है कि आप दीपक रखिए, अगर दीपक संभालने की क्षमता नहीं है तो आप नारियल भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले कलश पर बढ़िया से स्वास्तिक बनाइए, रंग बिरंगे से, कुमकुम से, हल्दी से, चावल से, के आटे से, या फिर आप दो प्रकार की चंदन ले लीजिए, कुमकुम ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए, और गले में कलावा बांध के, माला पहना के, और जल गंगा जल डाल के, लौंग सुपाड़ी, इलायची, पान के पत्ते, शर्व औषधि, पुष्प, कच्चा दूध डाल के कलश की स्थापना करिए। समस्त देवी देवताओं का आवाहन करिए। अशोक के पत्ते, पान के पत्ते, आम के पत्ते हों इकट्ठा तो आप एक साथ कलश में लगाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी पत्ते लगा सकते हैं।
कटोरी में आप जो है वो गेहूं या चावल भर के आप जो है दीपक का जो है वो प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक नहीं है तो आप नारियल भी रख सकते हैं। इसके बाद आप भगवान शिव, माँ पार्वती, कार्तिकेय जी, कहने का मतलब संपूर्ण शिव परिवार का पूजन होता है इस पूजा में, तो हम इनका पूजन करेंगे। विधान के साथ इनको स्नान कराएंगे। माँ गौरी को हम जल गंगा जल से स्नान कराएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे, उसके बाद उन्हें वस्त्र अर्पित करेंगे, कुमकुम लगाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे, चावल छिड़केंगे, उसके बाद हम माला चढ़ाएंगे, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे, हाथ में भी कलावा बांधेंगे। भगवान शिव को हम जल गंगा जल से स्नान कराएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे, सादा जल से स्नान कराएंगे, सफ़ेद रंग का चंदन लगाएंगे, सफ़ेद रंग की जनेऊ पहनाएंगे, कलावा बांधेंगे हाथ में और सफ़ेद वस्त्र भी उढ़ाएंगे। ठीक इसी प्रोसेस से हम जो है वो कार्तिकेय जी का भी पूजन करेंगे। और उसके बाद एक कच्चा सूत लेके, एक धागा लेके बड़ा, उसको दो तीन बार ऐसे राउंड राउंड करके और मोटा सा धागा बना के एक कटोरी में थोड़ा सा जल लेके और उसमें हल्दी घोल के उस सफ़ेद धागे को हम पीला कर लेंगे और उसमें हम 7 गांठ लगाएंगे। याद रखिएगा कि 7 गांठ लगाई जाती हैं और इन गांठों का अलग अलग विधान से हम पूजन करेंगे। जैसे कि हमने एक गांठ को जल से स्नान कराया, फिर पान का पत्ता, लौंग, सुपारी, इलायची चढ़ाई, एक हमने जो है वो उसमें जो है वो क्या बोलेंगे उसको, पुआ ही बोलते हैं, वो बनता है जैसे कि हम आटे से बनाते हैं, उसमें गुड़ को भिगो लेते हैं गुड़ के पानी से, उसको पूरी टाइप का बेल के वो बनाते हैं। ये 7 पुए हम बनाते हैं, प्रत्येक गांठ पर हम चढ़ाते हैं और बाद में ये पुए हमें स्वयं ही अकेले खाने होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको दान करना है आप दान करने के लिए अलग बना सकते हैं, लेकिन जो पूजा में हम 7 पुए चढ़ाएंगे ये पुए हमें खुद अकेले खाने होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 7 चढ़ा दिए उसमें से आधा आपने किसी को दे दिया और आधा खा लिया। इससे पूजा का आधा लाभ आपको मिलेगा और आधा किसी और को मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो जो भी सामग्री चढ़ाएं उसे 7 की संख्या में बनाएं और जो कुएं हैं वो एक 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 7 गांठों पे चढ़ाएं। ध्यान रखें 7 कुएं चूंकि सिर्फ आपको ही खाने हैं तो उनके साइज को आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको खाने तो आप कितना खा पाएंगे इस बात को ध्यान में रखते हो। आप कुएं बनाएं, देसी घी में आप कुओं को निर्माण करें और संपूर्ण गांठों का जो है वो पूजन करें। पूजन करने के बाद भगवान की कथा सुने, कथा आपके पति सुना दे या घर में कोई और जो भी सुना रहा है उससे कथा सुन ले, और कथा सुनने की उसको दक्षिणा जरूर दें, 11 रुपये 21 रुपये 51 रुपये जो भी आपको देनी हो जरूर दें। और कथा सुनने के बाद जो है आरती करें, सबसे पहले गणेश जी की, उसके बाद भगवान शिव की, माँ पार्वती जी की, कार्तिकेय जी की आरती कर कर कुछ देर आप पूजा स्थान पर ही बैठें और सब लोगों का आशीर्वाद ले लें। और उसके बाद जो धागा है वो हम अपने हाथ में बांधते हैं, किसी कारणवश अगर आप हाथ में नहीं बांध पाए तो आप उसे गले में भी पहन सकते हैं। इस दिन चांदी की चूड़ी बनवाने का भी रिवाज है, कुछ लोग सोने की चूड़ी भी बनवा लेते हैं, एक चूड़ी बनवाई जाती है, 2 नहीं बनती हैं। ये चूड़ी प्रत्येक साल दर साल बनती है, बहुत जगह ऐसी परंपरा है, हमारे यहाँ ये परंपरा है, अगर आपके यहाँ है तो आप निभाइएगा, अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। चांदी की चूड़ी बनवाई जाती है इस दिन और उसको भगवान को समर्पित करके रख लिया जाता है, हाथ में डाला जाता है लेकिन कुछ मिनट के लिए, कुछ देर के लिए। जैसे आज संतान सप्तमी है तो आप आज पहन लीजिए, कल उसको निकाल के फिर अलमारी में आप रख दीजिएगा। तो ये जो संतान सप्तमी की जो चूड़ी होती है चांदी वाली, ये जो आपके पुत्र हैं उनके पिता आपको ला के देते हैं, इनफैक्ट ये आपके पुत्र की तरफ से आपको होती है। तो अगर आपके पुत्र कमाने लगे हैं, सामर्थ्य हैं, तो वो आपको ला के दे, आप उनसे कहिएगा, और नहीं तो उनके पिता, जब तक वो सामर्थ्य नहीं हो जाते उनके पिता आपको ला के देंगे। तो ये एक विशेष रिवाज इस पूजा का है। बकाया कि उसके बाद जब आप पूजा कर लें, अपने घर में बड़े जनों का आशीर्वाद ले लें, भोग प्रसाद लोगों में बांट दें, घर परिवार में जो लोग हैं उनको बांटें, इस व्रत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा व्याख्या करें, तभी इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। गौ माता के लिए भी कुछ निकाल दें, जो 7 कुए आपने बनाए वो अपने लिए बना लें, उसी तरीके का आटा मार के थोड़े से कुए और बना सकते हैं लोगों को बांटने के लिए, प्रसाद देने के लिए। पंडित जी का दान निकाल दें और इस प्रकार से अपनी पूजा को पूर्ण करें। शाम में आप जो है वो खीर और पुए खा लीजिए, यही खाया जाता है, नमक नहीं खाया जाता है इस व्रत में, तो आप शाम में खीर और पुए खा सकते हैं, मीठा आप कुछ भी खा सकते हैं। और उसके बाद अगले दिन सुबह में आप अपने व्रत का पारण करके, पूजन की समस्त सामग्री का अपनी अपनी जगह निस्तारण करके, मतलब विसर्जन करके, और अपने व्रत को पूर्ण करें और अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी संतान के स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना जरूर करें। सो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।